आज हम बात करेंगे मूवी द बॉडी के बारे में, जो 2012 में रिलीज हुई एक स्पैनिश मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म है। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 7.6 out of 10। कहानी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि इंस्पेक्टर जेमी पियाना को एक कॉल आया है, जिसमें उन्हें बताया जाता है कि मुर्दा घर में काम करने वाला चौकीदार, जिसका नाम एंजल है, वो कोमा में चला गया है। छानबीन से पता चलता है कि वहाँ के सिक्योरिटी कैमरे के साथ छेड़छाड़ की गई है, सिर्फ एक कैमरे को छोड़कर, जिसमें दिखाया जाता है कि एंजल किसी वजह से डर कर भाग रहा था और हाईवे पर भागते हुए वो एक कार की चपेट में आ गया, जिस वजह से वो कोमा में चला गया। इस मुर्दा घर का सिक्योरिटी कोड चेंज कर दिया गया था, जिसे रीओपन करने के लिए एक टीम बुलाई जाती है। पियाना को बताया जाता है कि इस मुर्दा घर से एक औरत माइका का शव गायब है, जिसकी आज दोपहर ही हार्ट अटैक की वजह से डेथ हो गई थी। माइका एक 40 साल की औरत थी, जिसने अपने से कम उम्र के एक लड़के एलेक्स से शादी की थी, जो उसी की फार्मा कंपनी में एज अ डायरेक्टर काम करता था। एक बिजनेस ट्रिप से लौटने के दौरान उसे हार्ट अटैक आ गया था। कहानी फ्लैशबैक में जाती है और हमें माइका और एलेक्स की शादी दिखाई जाती है, जहां पहले तो माइका उससे शादी करने से इनकार कर देती है, लेकिन फिर मान जाती है। दरअसल माइका को मजाक करने और डराने की बुरी आदत है और ये आदत एलेक्स को पसंद नहीं। उसके बाद एलेक्स रात के अंधेरे में एक लड़की से मिलने जाता है, जिसका नाम कालरा है। एलेक्स कालरा से प्यार करता है। तभी एलेक्स को फोन आता है और उसे फॉरेंसिक सेंटर बुलाया जाता है, और यहाँ हमें पता चलता है कि माइका को इन दोनों ने मिलकर ही मारा था, क्योंकि इनका अफेयर चल रहा था। माइका काफी पावरफुल बिजनेस वुमन थी और वो एलेक्स को किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहती थी, जिस वजह से इन दोनों ने उसका पत्ता साफ कर दिया। एलेक्स फॉरेंसिक सेंटर जाता है, जहां उसे बताया जाता है कि माइका की बॉडी गायब होने के पीछे ना तो कोई ऑर्गन ट्रैफिकिंग का मुद्दा है और ना ही उस बॉडी को खत्म करने का, किसी ने पर्सनल दुश्मनी की वजह से उसकी बॉडी गायब की है। एलेक्स बताता है कि उनकी किसी से भी दुश्मनी नहीं थी। उसके बाद एलेक्स कालरा को फोन करके उस सिक्योरिटी गार्ड एंजल पर नजर रखने को कहता है, जो हॉस्पिटल में एडमिट है। यहां एलेक्स बताता है कि माइका को फ्लाइट सिकनेस थी, मतलब उसे फ्लाइट में बैठने से डर लगता था, जिस वजह से उसे हार्ट अटैक आ गया। इस बात को डॉक्टर सिल्विया कंफर्म करती हैं कि फ्लाइट सिकनेस की वजह से हार्ट अटैक आ सकता है, लेकिन अब जब बॉडी ही गायब है तो ये पता करना मुश्किल है कि डेथ हार्ट अटैक की वजह से हुई है या किसी और वजह से। सिल्विया यहाँ बताती है कि उसने सही रिपोर्ट बनाई है। यहाँ पियाना का असिस्टेंट पाब्लो सबसे ये कहता है कि अगर मैं वो डेड बॉडी होता और क्रिसमस से मैं जिंदा होता, तो सबसे पहले मेडिकल हेल्प ढूंढता, ना कि इस तरह से गायब हो जाता। एलेक्स को देखकर वो तीनों ये कहते हैं कि ऐसा लगता है कि एलेक्स को अपनी वाइफ के मरने का कोई दुख ही नहीं है। उसके बाद पियाना सिल्विया से अपनी मरी हुई वाइफ के बारे में बात करता है, जो 10 साल पहले एक कार एक्सीडेंट में मारी गई थी और उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सिल्विया ने ही तैयार की थी। थोड़ी देर बाद एलेक्स एक कमरे में जाता है। एलेक्स एक तेज आवाज सुनता है और उसे टूटा हुआ लॉकर दिखता है, जिसके अंदर उसे TH16 लेबल वाली एक छोटी बोतल मिलती है, और वो उस दिन के बारे में सोचता है जब वो उसी बोतल से माइका की शराब में बूंदे डालता था। माइका बिना कुछ सोचे वो वाइन पी लेती थी। माइका उसके साथ डिनर करने की बात करती है, लेकिन एलेक्स काम का बहाना करके उसे मना कर देते हैं। उसके बाद वो किसी को फोन करके कहती है कि वो एलेक्स को डायरेक्टर की पोस्ट से हटा रही है। ये सुन एलेक्स परेशान हो जाता है। माइका उससे कहती है कि वो मजाक कर रही थी। इसके बाद एलेक्स उसके साथ डिनर करने के लिए राजी हो जाता है। प्रेजेंट में पाब्लो और पियाना एलेक्स के पास आते हैं और देखते हैं कि ड्रॉअर खुली हुई है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने इसे जबरदस्ती खोलने की कोशिश की हो, और वहां से माइका का फोन भी गायब था। सबका शक एलेक्स पर है। एलेक्स इन सब बातों से डिनाई करता है। तभी पियाना को उसके पास से TH16 की बॉटल मिलती है, जिस पर एलेक्स सफाई देता है कि ये बॉटल उसे जमीन पर पड़ी हुई मिली। TH16 पर एक फार्मा कंपनी का लेबल था, जिसका डायरेक्टर एलेक्स है, और ये माइका की कंपनी में तैयार की गई एक टॉक्सिन है। लेकिन एलेक्स मना करता है कि उसे इस टॉक्सिन का यूज करना ही नहीं आता। वहीं पर उन्हें एक फोन भी मिलता है, जो एलेक्स का था। तभी उसमें कालरा का फोन आता है, लेकिन वो नंबर डिस्प्ले नहीं होता। एलेक्स झूठ कहता है कि ये उसकी बहन का कॉल है। कालरा बताती है कि वो गार्ड अभी तक कोमा में है। उसके बाद एलेक्स बाथरूम जाकर कालरा को वापस से फोन करता है।
और पूछता है कि क्या तुमने किसी से माइका के मर्डर के सीक्रेट को शेयर किया था, क्योंकि इस बारे में बस वो दोनों ही जानते थे। कालरा कहती है उसने किसी से कुछ नहीं कहा। फोन रखने के बाद उसे वहाँ एक एनवलप मिलता है जिसमें डिनर का इनविटेशन था और पीछे एक नोट लिखा हुआ था, आई क्लोज माई आईज एंड यू आर स्टिल विद मी। कहानी फ्लैशबैक में जाती है जहां हम एलेक्स को देखते हैं। जब वो अपने घर आता है उसे वही इनविटेशन मिलता है। पीछे से माइका आती है और हमें पता चलता है कि एलेक्स डिनर डेट के बारे में भूल गया था। एलेक्स कहता है वो लैब में बिजी था, लेकिन माइका ने ऑफिस फोन किया था और एलेक्स ऑफिस में नहीं था। उसने एलेक्स के फोन पर भी कॉल किया लेकिन वो आउट ऑफ रीच था। एलेक्स कहता है वो अपना फोन कार में ही भूल गया था। वो उससे माफी मांगता है। माइका उससे कहती है कि तुम्हारे नेक पर कुछ लगा हुआ है। एलेक्स घबरा जाता है कि कहीं किसी लिपस्टिक का निशान ना हो, लेकिन माइका कहती है कि वो मजाक कर रही थी। वो कहती है कि वो अब बुढ़ी होती जा रही है। एलेक्स कहता है एक दिन सबको बुढ़ा होना है। माइका कहती है लेकिन एलेक्स अब देर से घर आने लगा है, वो उसे उतनी इम्पोर्टेंस नहीं देता, वो एलेक्स को खोना नहीं चाहती। वो एलेक्स से कहती है कि कहो कि तुम मुझे कभी भी छोड़कर नहीं जाओगे। उसके बाद वो दोनों किस करते हैं और इंटीमेट होते हैं। उसी रात जब दोनों साथ में सो रहे थे, एलेक्स को कालरा का मैसेज आता है जिसमें लिखा था, आई क्लोज माई आईज एंड यू आर स्टिल विद मी। एलेक्स को मैसेज पढ़कर देख माइका नोटिस कर लेती है। कहानी प्रेजेंट में आती है और एलेक्स उस नोट को फाड़ कर फ्लश करने की कोशिश करता है, लेकिन फ्लश खराब होने की वजह से वो फ्लश नहीं हो पाता। तब तक एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर एलेक्स को बुलाने आ जाता है। वो नोट किसी के हाथ ना आए इसीलिए एलेक्स उस नोट को टॉयलेट से उठाकर खाने लगता है और हमें ऐसा लगता है कि वो अभी वॉमिट कर देगा। उसके बाद वो पियाना के पास आता है जो उसे बताता है कि उसकी वाइफ की बॉडी कोई इसी होल से लेकर गया है। ये होल रूफटॉप तक ले जाता है। वहीं एक दूसरी ऑफिसर को बाहर रूफटॉप के रास्ते पर किसी के जूतों के निशान मिलते हैं। पियाना एलेक्स से एक डेट के बारे में पूछता है, 20 मार्च 2012। लेकिन एलेक्स इस बारे में कोई भी जानकारी होने से मना करता है। वो कैलेंडर में भी उसे सेम डेट दिखाता है। फ्लैशबैक से हमें पता चलता है कि एलेक्स अपने हर सिक्योरिटी कोड में इस डेट का यूज करता था। ये उसका कोड था। जब वो फ्रीजर में सैंपल्स रख रहा था, माइका वहाँ आ जाती है और पूछती है कि तुमने वही डेट क्यों चूज करी। एलेक्स पूछता है तुम्हें कैसे पता कि उसका कोड एक डेट है। माइका कहती है तुम वो डेट हर जगह यूज करते हो। एलेक्स कहता है इससे उसे चीजें याद रखने में आसानी होती है। उसके बाद माइका उसे एक बाइक गिफ्ट करती है जो एलेक्स को पसंद थी। प्रेजेंट में पियाना एलेक्स से उसका शूज का साइज पूछता है और तुरंत ही वहाँ फायर अलार्म बजने लगता है। सब लॉबी में जाने लगते हैं, लेकिन एलेक्स को कालरा का फोन आ जाता है और वो बताता है कि यहाँ की सिक्योरिटी कैमरे का कोड का नंबर वही डेट है जिस दिन वो पहली बार कालरा से मिला था। तभी एलेक्स को वहाँ माइका के होने का वहम होता है। वो कालरा को बताता है कि माइका उनका बेवकूफ बना रही है, वो जिंदा है और उसने शायद कालरा का मैसेज उसके मोबाइल में देख लिया था, आई क्लोज माई आईज एंड यू आर स्टिल विद मी। कालरा सब कुछ छोड़कर उसके साथ भागने को कहती है। वो कहती है कि उसे माइका की प्रॉपर्टी से कोई लेना देना नहीं है। एलेक्स फोन कट कर देता है और पीछे से पियाना आ जाता है। वो उससे उसका मोबाइल मांगता है। पियाना उसके मोबाइल नंबर की डिटेल्स निकलवाता है लेकिन उनके हाथ कुछ भी नहीं लगता। उन्हें पता चलता है कि एलेक्स के स्मोक करने से फायर अलार्म बजा था और TS-16 की रिपोर्ट भी आ चुकी थी। ये ऐसा टॉक्सिन है जो बॉडी में घुल जाता है और 8 घंटे बीतने के बाद उस इंसान की हार्ट अटैक से मौत हो जाती है। इस टॉक्सिन का मेडिकल में बहुत कम यूज किया जाता है। शक के बिहाफ पर एलेक्स को एक रूम में लॉक कर दिया जाता है और एलेक्स को फिर से माइका का वहाँ होने का वहम होने लगता है। उसे एक मोबाइल फोन के बजने की आवाज आती है जो कि एक डेड बॉडी के पास से आ रही थी। वो उस डेड बॉडी के पास जाकर उस मोबाइल को उठाता है जिसमें किसी औरत के हंसने की आवाज आ रही थी। एलेक्स उस डेड बॉडी का नाम चेक करता है और उस आदमी का नाम जेवियर था। वो उस मोबाइल को चेक करता है जिसमें सिर्फ माइका का नंबर डायल लिस्ट पर था। वो उस नंबर पर कॉल करता है लेकिन फोन पैट्रिशिया नाम की एक लड़की उठाती है जो कि कैफे में वेट्रेस है। वो बताती है माइका अपना फोन यहाँ भूल गई है। एलेक्स बताता है कि आज दोपहर में माइका की डेथ हो गई है और वो उसका हस्बैंड है। पैट्रिशिया बताती है कि कल रात माइका यहाँ डिनर के लिए आई थी और उसे फोन बाथरूम से मिला। फ्लैशबैक में माइका और एलेक्स उसी कैफे में बैठकर ड्रिंक कर रहे थे। माइका बताती है कि वो एक बिजनेस ट्रिप के सिलसिले में एले जा रही है। वो एलेक्स को भी अपने साथ चलने के लिए कहती है लेकिन एज यूजुअल एलेक्स बहाना बना देता है और हम पैट्रिशिया को उनका ऑर्डर लेते हुए देखते हैं।
वहाँ माइका एक आदमी से मिलती है और एलेक्स से कहती है कि ये उसका न्यू लॉयर है और वो उनके मैरिज कॉन्ट्रैक्ट को रिवाइज करवाना चाहती है, स्पेशली प्रॉपर्टी वाला पार्ट। ये सुनकर एलेक्स थोड़ा घबरा जाता है। उसे लगता है कि माइका उसे अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल करने की सोच रही है और वो उसे कहता है कि तुम यही चाहती हो कि सब तुम्हारे कदमों में पड़े रहें। माइका कहती है सब नहीं, बस वो उसके पैरों में पड़ा रहे। लेकिन बाद में वो हंस कर कहती है कि वो मजाक कर रही थी। ये सुन वो माइका से उस आदमी के बारे में पूछता है जिससे वो बात कर रही थी। माइका बताती है कि वो उसका थेरेपिस्ट है। एलेक्स कहता है उसे नहीं पता था कि वो किसी थेरेपिस्ट से मिल रही है। प्रेजेंट में एलेक्स कार्ला को फोन करके बताता है कि उसको एक फोन मिला है जिसमें सिर्फ माइका का नंबर डायल है और वो फोन किसी जेवियर नाम के आदमी का है। वो कार्ला से जेवियर के बारे में पता लगाने को कहता है। उसके बाद पियाने अपने फ्लैशबैक में जाता है जहां हम उसे एक डेड बॉडी के साथ देखते हैं जो उसकी वाइफ की थी। पियाने इस वजह से काफी दुखी हो जाता है। वो एलेक्स से बात करता है और कहता है कि उसे लगता है कि उसने अपनी वाइफ का खून TH16 से किया है और उसकी बॉडी गायब कर दी ताकि उसकी ऑटोप्सी ना हो पाए। एलेक्स एक केमिस्ट है और उसकी वाइफ की डेथ हार्ट अटैक की वजह से हुई है। एलेक्स कहता है कि अगर वो ऐसा करता तो यहाँ बैठ कर अपनी सफाई नहीं दे रहा होता। उसके बाद वो उसका बयान रिकॉर्ड करता है और पूछता है कि वो माइका से कैसे मिला। उनके बीच एज का और स्टेटस का इतना डिफरेंस था। एलेक्स बताता है कि वो उसे एले में मिला था। वो एक यूनिवर्सिटी में केमिस्ट्री पढ़ाता था। वहीं एक माउंटेन में उसे माइका दिखी। एलेक्स की कार का टायर पंचर हो गया था और माइका ने उस वक्त उसकी हेल्प की थी और वो सेम होटल में रुके थे। माइका ने कुछ दिन पहले ही अपने पेरेंट्स को खो दिया था और एलेक्स भी काफी अकेला था। दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। पियाने उसे आज दोपहर के बारे में पूछता है कि जब वो घर पहुंचा तो उसने सबसे पहले क्या देखा। एलेक्स बताता है कि उसने माइका को सोफे पर देखा था। वो सोफे पर लेटी हुई थी। उसे लगा वो सो रही है लेकिन वो मर चुकी थी। फिर उसने एम्बुलेंस को कॉल किया और उसके बाद पुलिस को। पियाने कहता है तुम माइका के इस तरह अचानक मरने पर भी काफी शांत नजर आ रहे हो। एलेक्स कहता है कि वो एक साइंटिस्ट है और उसे पता है कि हम मशीन नहीं है। फोरेंसिक रिपोर्ट से क्लियर है कि माइका को फ्लैंग सिकनेस थी जिस वजह से उसे हार्ट अटैक आ गया और वो मर गई। लेकिन पियाने को उसकी इस थ्योरी पर यकीन नहीं है। एलेक्स कहता है उसे 2 साल पहले दिल में दर्द हुआ था बिना किसी प्रीवियस साइन के। ऐसी चीज बिना किसी वार्निंग के हो जाती है। ये सारी बातें पियाना रिकॉर्ड कर रहा होता है। पियाने उससे पूछता है कि जब उसकी वाइफ की बॉडी को ले जाया गया उसके बाद सबसे पहले उसने क्या किया। एलेक्स कहता है उसने माइका की बहन को कॉल किया, वो रोया और फिर उसे हेडेक होने लगा और वो पेन किलर लेने के लिए मेडिकल स्टोर चला गया। पियाने पूछता है क्या उसके तुरंत बाद तुम यहाँ आ गए। एलेक्स कहता है हाँ। पियाने उसे पेन किलर दिखाने को कहता है क्योंकि वो पेन किलर खरीदने के तुरंत बाद यहाँ आ गया था। लेकिन एलेक्स के पास कोई भी पेन किलर नहीं था क्योंकि वो साफ झूठ बोल रहा था। और अब पियाने उससे अपनी थ्योरी को समझाने लगता है कि उसकी वाइफ यानी माइका ने 3 महीने पहले एक डिटेक्टिव को काम पर रखा था और वो डिटेक्टिव और कोई नहीं बल्कि जेवियर था जिसे माइका ने अपना थेरेपिस्ट बताया था क्योंकि उसे शक था कि एलेक्स उसे धोखा दे रहा है। और अगर ये सच था तो उसने उस मैरिज कॉन्ट्रैक्ट के रूल्स को तोड़ा था और अगर उसकी वाइफ से तलाक दे देती तो एलेक्स से वो सारे अधिकार छीन सकते थे जो मैरिज करने के बिहाफ पर उसे मिले थे। यानी कि उसी प्रॉपर्टी से कोई भी हिस्सा नहीं मिलता और शायद डिटेक्टिव ने उसे किसी लड़के के साथ पकड़ लिया था और इस वजह से शायद एलेक्स ने माइका को खून कर दिया। एलेक्स पियाने को उसी रूम में लेकर आता है जहाँ जेवियर की बॉडी पड़ी थी। लेकिन जब वो उस बॉडी को चेक करता है वहाँ कोई दूसरा ही आदमी पड़ा था। उसके बाद उसे कार्ला से पता चलता है कि जेवियर सच में उसके ऊपर नजर रख रहा था क्योंकि कार्ला को उनकी कुछ फोटोज और एक ऑडियो मिला है और माइका को पता था कि एलेक्स ने उसकी रेड वाइन में TH16 मिलाया हुआ है। ये जानकर एलेक्स कार्ला को घर से बाहर जाने को कहता है। उसे लगता है कि माइका कार्ला को नुकसान पहुंचा सकती है। कार्ला घर से बाहर निकलती है और एक कार बड़ी तेजी से उसकी तरफ बढ़ती है और यहीं पर सीन कट हो जाता है। एलेक्स इस वजह से टेंशन में आ जाता है और पियाने को धक्का देने लगता है। पियाने एलेक्स को एक जोरदार थप्पड़ मार देता है जिस वजह से वो बेहोश हो जाता है। अगले दिन हम देखते हैं कि एलेक्स अब कुछ बताने को तैयार है। वो बताता है कि जब वो यूनिवर्सिटी में पढ़ता था वहीं उसकी मुलाकात कार्ला से हुई थी। वो उसे प्राइवेट ट्यूशन देता था जिस वजह से वो दोनों काफी करीब आ गए। कार्ला को एलेक्स के शादीशुदा होने से प्रॉब्लम थी जिस वजह से माइका को एलेक्स पर शक होने लगा। एलेक्स को लगता है कि शायद माइका को पता चल चुका था कि एलेक्स ने उसकी वाइन में TH16 मिलाया है, इसलिए हो सकता है कि उसने अपनी ड्रिंक चेंज कर ली हो और कोई दूसरा टॉक्सिन लिया हो जिसने उसकी हार्ट बीट को कुछ टाइम के लिए रोक दिया था।
और फिर वो मौका पाकर यहाँ से भाग गई। लेकिन पियाना को पक्का यकीन है कि माइका की डेथ TS-16 से ही हुई है। उसे अपनी डॉक्टर पर पूरा यकीन है। वहीं पुलिस को एलेक्स के घर से एक गन मिलती है। सिक्योरिटी गार्ड को भी होश आ चुका था और वो सबको ये बताता है कि उसे मुर्दा घर से एक आवाज आई और जब वो वहां गया तो वहां माइका की डेड बॉडी नहीं थी बल्कि उसकी डेड बॉडी लिफ्ट में रखी हुई थी। अचानक वो लिफ्ट बंद हो गई और जब वो लिफ्ट वापस से खुली तो एक आदमी जिसे नकाब पहना हुआ था उस पर गोली चलाने लगा और वो गार्ड वहां से भाग गया। अब वो गोलियां एलेक्स की गन से मैच होती थी लेकिन एलेक्स कहता है कि उसके पास कोई भी गन नहीं है। उसे अभी भी यही लगता है कि माइका जिंदा है और जेवियर की मदद से वो ये सब प्लान कर रही है। लेकिन वही पियाना को ये लगता है कि माइका की बॉडी एलेक्स ने गायब की है। एलेक्स अब बस ये चाहता है कि कालरा को बचा ले। लेकिन जब पुलिस टीम कालरा के घर पहुंचती है उन्हें पता चलता है कि यहां कालरा नाम की कोई भी लड़की नहीं रहती और घर पूरी तरह से खाली था। उन्हें जंगल से एक डेड बॉडी भी मिलती है जिसे एलेक्स को लगता है कि वो कालरा की है लेकिन वो डेड बॉडी असल में माइका की थी। एलेक्स को पता चलता है कि कालरा नाम की लड़की का कोई वजूद ही नहीं है। सबको लगता है कि एलेक्स ने खुद से ही कहानी गढ़ी है और वो सबको यही कहानी सुना रहा है। एलेक्स पियाना को मारकर भागने लगता है लेकिन कुछ दूर जाने पर ही वो गिर जाता है। उसकी तबीयत खराब होने लगती है। पियाना उससे कहता है कि वो पिछले 8 घंटे से फोरेंसिक सेंटर में है। तबीयत खराब होना लाजमी है लेकिन अभी तो पिक्चर बाकी है। पियाने यहाँ बताता है कि उस दिन उसका एक्सीडेंट जिस कार ने किया था वो माइका और एलेक्स की थी जिसमें पियाने की वाइफ की डेथ हो गई थी। लेकिन एलेक्स और माइका ने उनकी हेल्प करने के बजाय वो दोनों वहां से भाग गए। कालरा जिसके लिए एलेक्स ने अपनी वाइफ का खून किया वो और कोई नहीं बल्कि पियाने की बेटी एवा थी जो अब किसी सेफ जगह पर है। और जब वो कार एक्सीडेंट हुआ तब एवा काफी छोटी थी लेकिन उसने उस कार का नंबर नोट कर लिया था जिसके साथ उनका एक्सीडेंट हुआ था। एवा जब बड़ी हुई उसे उस कार का नंबर याद आ गया और उसने उसी यूनिवर्सिटी में अनऑफिशियली एडमिशन लिया जहां एलेक्स पढ़ाता था और फिर एलेक्स से उसने प्यार का नाटक किया। लेकिन एवा को एलेक्स से सच्चा प्यार हो गया था और वो श्योर होना चाहती थी कि एलेक्स की वजह से ही उसकी मॉम की डेथ हुई थी। और एक दिन जब वो दोनों इंटीमेट हो रहे होते हैं एलेक्स अपने डार्क सीक्रेट्स उसके सामने खोल देता है जिसमें वो उस एक्सीडेंट की बात कबूल करता है। एवा को यकीन हो जाता है कि एलेक्स वही इंसान है उसकी माँ का कातिल। और ये सारा प्लान एवा और उसके पापा पियाने का बनाया हुआ था। और जब एलेक्स एवा के घर पर था एवा ने चुपके से उसके ड्रिंक में TS-16 मिला दिया था और अब ठीक 8 घंटे बीत चुके हैं जिस वजह से एलेक्स की हालत खराब होने लगी है। पियाने उसे वहीं छोड़कर चला जाता है और एलेक्स वहीं दम तोड़ देता है। और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।